नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी और पब्लिक ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों और घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। देखिए अमृतसर से दीपक डोगरा के साथ मनदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, तुम देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया। मैं थोड़ा अपना रिपोर्टर दीपक डोगरा। अमृतसर के असी इस टाइम खलोते हैं नावलटी चौंक के, जिथे कि आम आदमी पार्टी ने अज रोष प्रदर्शन किया। उत्थे नाल ही नॉर्मल पब्लिक नौजवान अपने अमृतसर शहर तो जेडे कि मोदी केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जिथे लिखा गया साफ लफ्जों के पढ़ सकते हो, डॉग आर अलाउड बट नॉट मोदी बाइकॉट, मोदी नॉट वेलकम, मोदी इज चोर। जिथे कि देश दे जड़ा मोदी सरकार, मोदी जी देश दे चौकीदार दसे जाते हैं, पर पब्लिक नू पता लग चुका है कि ये देश दे चौकीदार नहीं है, ये चोर है। जिथे इन्होंने रेलों, एयरपोर्ट्स ते अपनिया होर भी जड़े डिपार्टमेंट्स है वो अडानी दे अंबानी दे हथों सौंप दिते है। तो आओ असीं गल करते हैं पंजाब दे नौजवान पीढ़ी दे नाल। सर, तुहाडा नाम? मेरा नाम सिमरन। तो तुसीं ये जिहड़ा सर अज रोष प्रदर्शन कर रहे हो, तुसीं इह चौंक दे विच खड़े हो, उहदे बारे की कहना चाहोगे? सर कुछ नहीं, सिर्फ आपां यही कहना चाहांगे कि असीं लोगों ने मोदी सरकार नूं बनाया है, ठीक है जी, पर फिर भी उन्हों अपनी जो इज्जत बच नहीं रही। वो तुसीं पिछले दिन ही वेख्या है, पेट्रोल मिनटां दे विच ही वध रहा है। कल 91 सी, अज 92.4 हो चुका। तुसीं आह चार्ट तुसीं देख सकते हो, इत्थे ही सारा डाटा लिखा होया। आ देखो जी, इन्हां ने नौजवानों ने कैलकुलेशन की हुई है, पेट्रोल का रेट जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई 2020 किन्ना सी, 2021 का रेट तुसीं देखो। कच्चे तेल का रेट तुसीं देख सकते हो, तो नॉर्मल प्राइस जिहड़ा तुहानूं प्रोवाइड हो रहा उहदा भी तुसीं रेट देख सकते हो। और असीं गलबात करांगे आम आदमी के शहरी प्रधान रविंदर सिंह सेठी जी के नाल। सर, तुसीं अज्ज दे मिशन जिहड़ा रोष प्रदर्शन किया गया उहदे बारे की कहना चाहोगे? अरे इक ना शेयर बड़ा ढुकवाया बीजेपी दे, कहिए बंद कराने आए थे तो आखो के कोठे, मगर सिक्को की जनक देख कर खनक देख कर के खुद ही मुजरा कर बैठे। जेड़ी कांग्रेस सरकार नु महंगाई है ते करप्शन दे बेस ते इन्होंने हटाया सी, ते सरकार लोकां दे वोट ला के सरकार चाहे सीगे। इन्हों दे कुछ सिर्फ चार मुद्दे सीगे, प्याज महंगा हो गया, दालां महंगियां हो गईयां, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। तो भाई हुण इन्हों दी सरकार दे विच ते आलू भी महंगे हो गए, टमाटर भी महंगे हो गए, दुनिया दी हर चीज महंगी हो गई है। किसी चीज ते इनफ्लेशन ते इन्हों दा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं गा। मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी सरकार नु जिस यकीन ते उन्होंने लोगों झूठ बोल के मैनीफेस्टो झूठे जारी करके वोट दिते ने, उन्हों का टोटली बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरीके ना 100 रुपए के करीब पेट्रोल चला गया कई स्टेटा के विच, लुटमार सारे बाजार लुटमार करी है बीजेपी सरकार। और सिलेंडर जिहड़ा कि गरीब वास्ते नेसेसिटी है, पेट्रोल जिहड़ा कि नेसेसिटी है, एक ऐसी इकोनमी है हिंदुस्तान की जी नेसेसिटी चीज है, वो महंगी हो जा रही है। फॉरन कंट्री के बहरले विदेशों के जी चीज कंफर्ट है लग्जरी है, उन्होंने महंगा किया जाता है। पहली सरकार है जी नेसेसिटी चीजा ही महंगा करी जा रही है, शर्म वाली गल है। और आने वाले समय से चलो पंजाब से बिल्कुल ही बीजेपी का बिल्कुल नाश हो गया, मगर मैं RSS बीजेपी के जिन्हें भी इतने लीडर साहबान वॉलंटियर जेरे उन्होंने सेवादार ने, उन्होंने जरूर बेनती करा कि मोदी जी के सामने बोलना सीखो। रब के वास्ते मोदी जी हिंदुस्तान डोब रहे ने, हिंदुस्तान की हर चीज न हर लिमिटेड कंपनी वेच रहे ने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोग लुटमार कर रहे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बेच के साडे देश सुरक्षित नहीं रहना, साडे देश का समगलिंग जरा लॉ एंड ऑर्डर कभी भी कंट्रोल च नहीं रहेगा जी असी एयरलाइंस और रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों से दे देते। और मैं तो यही कहूंगा मोदी जी किसान
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, GST ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 10-15%, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 9.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।